पुरानी रंजिश के चलते संदोरा के गांव इस्माइलपुर में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां और डंडे चले, जिसमें चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने झगड़े को शांत करवाया। मृतक पक्ष के लोगों ने शव को दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी तक ले जाने से मना कर दिया। किसी तरह थाने प्रभारी और मौके पर पहुंचे डीएसपी ने भीड़ को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक, जिसकी आयु 44 वर्ष है, के दो बच्चे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि झगड़े में चाकू लगने से व्यक्ति की मौत की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को शांत करवाया और कार्रवाई का आश्वासन देकर शव को अपने कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे साथ तो हम घर पे खड़े थे, हमें डंडे लेके आए, बंदूक के लेके आए, चाकू लेके आए। जो उसका जो लड़का था जिस एक्सपायर हो गया, मेरा ब्रदर था। अच्छा, एक्सपायर भी हो गया लड़का। हाँ, क्या नाम था? मनोबर। शादीशुदा था? हाँ, सब शादीशुदा। बच्चे कितने हैं? दो भी लड़के थे। अच्छा, मामला क्या हुआ था, क्या किस बात पे हुई थी लड़ाई? बिना बात से मैं कल से ही फिर थे दारू पी के। तो सुनने में आया रात भी हुई थी लड़ाई। हाँ, रात भी। तो रात आपने कंप्लेंट करी थी, पुलिस ने कार्रवाई करी रात को? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस मौके पे वहाँ पहुँची नहीं रात गांव में? वो 112 नंबर आई थी, वो चली गई थी। तो पुलिस वाले नहीं आए? सुबह करेंगे, उन्होंने बोला सुबह करेंगे। तेज हथियार लेके आ गए। सुबह किस टाइम हुई लड़ाई? सुबह ये 9:30 बजे। 9 बजे? हाँ, 9 बजे। तो फिर ये किस कैसे हुई है उनकी डेथ, जो मनोहर है? मनोहर छटवाने में सारी मतलब मैं घर पे ही आ गए थे मारने के लिए। घर पे उसने तेज हथियार मारे। ये देखिए, कितने मारने वाले कितने बंदे थे? मैं 12-13 बंदे। देखिए मैडम, ये मनोहर नाम का जो था, 35-40 साल इसकी उम्र थी। कौन से गांव से? इस्माइलपुर गांव का था ये। तो शाम को रिटायरमेंट पार्टी हुई थी। हाँ जी। उसमें शाम शराब वगैरह पी है, तो उस रंजिश में सुबह इनका फिर से झगड़ा हो गया। वो धारदार हथियार से इस मनोहर पे 6-7 है, कुछ और हैं ऊपर नीचे को उसके, तो अभी नाम तो पूरे क्लियर नहीं हुए। उनने चाकू और उससे बिना तेजधार हथियार से हमला किया था। हाँ, और इसमें मनोहर जो नाम का, जिसमें एक व्यक्ति, इसकी डेथ हो गई। ऑन द स्पॉट डेथ? अस्पताल में ले आए थे, वहाँ इसकी डेथ हो गई। अभी इनकी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, और जो भी कार्रवाई बनेगी। संदोरा से प्रीति रानी की रिपोर्ट, युग मार्ग, दिल्ली।